हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे द 13 पार्ट 4 द फाइनल चैप्टर, जो कि आया था थर्ड पार्ट के दो साल बाद 1984 में। इसके डायरेक्टर हैं जोसेफ जीटो, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस फिल्म के साथ ये फ्रेंचाइज एंड होने वाली थी, लेकिन ऑब्वियसली हुई नहीं। ये भी थर्ड पार्ट की एंडिंग से स्टार्ट होगी, तो अगर आपने बाय चांस पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लो। और बाकी आप जानते हो कि ढेर सारे इंटरेस्टिंग अनसुने फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड वीडियो के एंड में। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट पार्ट से अब तक क्या क्या हुआ और जेसन की कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। थर्ड पार्ट के अंत तक कहानी ये थी कि पुलिस क्रिस को लेकर चली गई थी और जेसन पड़ा था बान में। इसकी कहानी स्टार्ट होती है मैसेकर की अगली रात, जब पुलिस ने मोर्चा संभाल कर जेसन की बॉडी को मॉग में भेज दिया था, जहाँ कटहर की कॉर्नर एक्सल वहीं पर नर्स के साथ रोमांस करने लगा। तभी जेसन का हाथ लगने से नर्स काफी डर गई और उसका सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि टीवी में न्यूज चल रही है उसी मैसेकर के बारे में जिसे अंजाम देने वाला किलर इन्हीं के पास मौजूद है, तो उसका हाथ लगने से कुछ दहशत तो होगी। नर्स के जाते ही एक्सल लग गया एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम देखने में। तभी अचानक जेसन ने जाग कर उसकी गर्दन पर आरी चलाकर उसे ट्विस्ट कर डाला और बॉडी ट्विस्टिंग तो ये देख रहा था। इसके बाद नंबर लगा नर्स का, जेसन ने लाई भी उसका पोस्टमार्टम कर डाला। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिश को, जिसकी फैमिली में है उसकी मॉम, छोटा भाई टॉमी और कुत्ता गॉर्डन। टॉमी मास्क बनाने में काफी एक्सपर्ट है और इनका घर भी क्रिस्टल लेक के करीबी मौजूद है। इनके पास वाले खाली पड़े घर में 6 लोग आने वाले हैं पार्टी करने, और इतने में मॉम चाहती है कि टॉमी ट्रिश के साथ टाउन जाकर अपने बाल कटवा ले। वो 6 लोग हैं पॉल, उसकी गर्लफ्रेंड सैम, जिमी, टेड, सारा और उसका बॉयफ्रेंड डक। जिमी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है इसलिए वो थोड़ा सैड है, पर टेड के मुताबिक जिमी एक लूजर है और वो है एक कूल डूड। मेन बात यह है कि इन सब ने भी मैसेकर की न्यूज़ नहीं देखी। रास्ते में उन्होंने क्रॉस किया जेसन की मॉम की कब्र को, और अब जाकर रिवील हुआ है कि उसका नाम था पैमला वोरेस। खैर तभी उन्हें एक हिचहाइकर कर देखी, लेकिन वो नहीं रुके। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो केला खाने लगी, तभी जेसन ने पीछे से एक चाकू उसके गले के आर पार करके उसका और केले दोनों का काम तमाम कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि जेसन फिर से जा रहा है अपने इलाके में। अगर वो सभी अपने कैबिन पर पहुंच गए तो उन्हें ग्रीट किया ट्रिश और टॉमी ने, और उनकी मॉम भी चिंता में ये सब देख रही थी, क्योंकि इसके बच्चों में और उन 6 बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो सब है केयरलेस और ये दोनों है जिम्मेदार। खैर बाद में वो अखबार पढ़ रही थी, जिसके फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा छपा था कि हत्यारे की बॉडी गायब हो चुकी है, लेकिन इस बात की उसे कोई चिंता नहीं। बच्चे टाइम से ना सोए तो चिंता हो जाएगी। हाँ, अगर बाय चांस किलर यहाँ पर आकर उन्हें मार दे तो वो बात की बात है, पहले कम से कम नींद तो पूरी कर लें। अब पड़ोसियों के आने से टॉमी की तो मौज हो गई, उसकी नींद चैन सबको छोड़ गया क्योंकि विंडो से वो सीधा प्रसारण देख पा रहा था। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो खुद ही बेड पर कूद रहा था, लेकिन मॉम के आते ही वो सोने का नाटक करने लगा। सामने चल रहे कार्यक्रम को देखकर मॉम ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन सामने वाली नहीं बल्कि साइड वाली। उसके जाते ही टॉमी फिर से कल्पनाओं में खो गया। अगली सुबह लेक की तरफ जाते हुए ग्रुप की मुलाकात हुई दो जुड़वा बहनों टीना और टेरी से, जो कि उसी तरफ जा रही थी, लेकिन लंबे रास्ते की वजह से सारा वापस कार लेने चली गई। लेक पर पहुंचकर सभी मजे करने लगे, और इसी बीच वहां से गुजर रहे ट्रिश का डॉग गॉर्डन भाग निकला। उसका पीछा करते हुए टॉमी पहुंच गया लेक तक, और वहां का नजारा देखकर एक बार फिर से वो कल्पना में खो गया। तभी ट्रिश आकर उसे ले गई, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी कार बंद हो गई। इधर सैम डुबकी लगाने के काफी देर बाद भी ऊपर नहीं आई, इसलिए सारा पैनिक करने लगी। तभी सैम ने उसे भी पानी में खींच लिया। अब आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये सब सीन्स दिखाने का मतलब यह है कि सारा वर्जिन है। यस, यानी कि वो पूरी भीड़ से अलग है। इधर काफी ट्राई करने के बाद भी कास्ट आउट नहीं हुई, और तभी वहां कोई आ गया। वो था रॉब नाम का एक हंटर, जिसने उनकी कास्ट आउट कर दी, तो बदले में ट्रिश ने उसे लिफ्ट दे दी अपने घर तक। उसे बेयर हंटिंग करनी थी, पर टॉमी जिद करके उसे घर में ले आया अपने बनाए मांस दिखाने के लिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टॉमी सच में जीनियस है, और बड़ा होकर टॉम सविनी बनेगा। उधर उन सब की पार्टी भी चालू थी, जिसमें जिमी ने ऐसा डांस दिखाया जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। लड़की भी पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। नाचने में और करंट लगने में बस मामूली सा फर्क है।
खैर इसी बीच रॉब भी चला गया। टीना और टेरी के बीच में बियर पीने का कंपटीशन जीतने पर टीना पॉल के साथ नाचना चाहती थी, इसलिए जलन में सैम स्विमिंग के लिए चली गई। सारा उसके पीछे जा रही थी पर डग ने रोक लिया। दूसरों के चक्कर में ये अपना मूड खराब क्यों करे। बिना ज्यादा टेंशन लिए पॉल भी नाचने लगा और ये देख टेड बेचारा देवदास बनकर बैठ गया, क्योंकि वो ठहरा कूल डूड। उसे लग रहा था कि टीना उस पर फ्लैट है, जबकि ऐसा है नहीं। इधर सैम लेक में मौजूद बोट पर रिलैक्स कर रही थी कि तभी अचानक जेसन ने पानी से निकलकर बोट समेत उसे भी पंचर कर दिया। कुछ देर बाद पॉल को उसकी याद आई तो वो बाहर चल दिया और उसके जाते ही टीना ने पार्टनर बदल लिया, लेकिन इस बार भी टेड के बजाय उसने चुना जिमी को, जो कि टेड के मुताबिक लूजर है। जिमी को लेकर वो ऊपर रूम में चली गई और टेड के आंसू आते आते रह गए। तब कोई ऑप्शन ना पाकर वो टेरी पर ट्राई मारने लगा, पर यहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। बाहर पॉल सैम तक पहुंचा और उसकी लाश देखकर वो पैनिक में वापस आ रहा था, लेकिन किनारे तक पहुंचने से पहले ही जेसन ने एक हारपून से एरो फायर करके उसे हवा में लटका दिया और उसकी चीख सुन ली रॉब ने। उसने पास में टेंट लगाया हुआ था। अब एक मशेटी लेकर वो उस तरफ बढ़ने लगा और इसी बीच कोई उसके टेंट के आसपास मंडरा रहा था। वो आकर देखता है कि उसकी गन टूटी हुई थी, जो कि अच्छे संकेत तो है नहीं। अपडेट तो नहीं मिली, इसलिए कुछ पुरानी अडल्ट मूवीज ढूंढ कर टेड टेरी सैरा और डग के साथ लग गया उन्हें देखने में। कुछ ही देर में बारिश होने लगी, इसलिए टेरी टीना को चलने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से टीना ने उसे अकेले ही भेज दिया। वो बाइसिकल लेकर अकेली निकल रही थी, लेकिन उससे पहले जेसन ने सीधा स्टैब करके उसकी जान ही निकाल दी। उसके कुछ देर बाद ही सैरा भी सोने चली गई और वो गई तो डग को भी जाना ही था, इसलिए टेड रह गया अकेला। इधर घर लौटने पर ट्रिश की मॉम पाती है कि बच्चे घर पर नहीं थे और ना ही उनका डॉग था। वो उन्हें बाहर ढूंढने जाती है, तभी अचानक जेसन को देखकर वो बुरी तरह डर गई और यहाँ उनका भी काम तमाम हो गया ऑफ स्क्रीन। घर वापस लौटने पर मॉम को ना पाकर ट्रिश टॉमी को वहीं पर छोड़कर उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गई रॉब के टेंट तक। उसके अंदर जाते ही किसी ने उस पर हमला बोल दिया, जो कि था खुद रॉब, लेकिन वो बाल बाल बच गई और ये हमला उसने अनजाने में किया। उधर रोमांस के बाद जिमी ड्रिंक लेने नीचे पहुंचा तो टेड की मूवी अब भी चालू थी, इसलिए वो थोड़ी देर बैठ गया उसे तसल्ली देने के लिए। इसके बाद वो गया किचन में, जहां फ्रिज से ड्रिंक निकालते ही जेसन ने एक कॉर्कस्क्रू से उसका हाथ पिन करके एक क्लीवर से उसका फेस आधा कर डाला। टीना विंडो से देखती है कि टेरी की साइकिल अभी बाहर मौजूद है, लेकिन वो आगे कुछ सोच पाती उससे पहले जेसन ने उसे खींचकर सीधा नीचे फेंक दिया और वो जाकर गिरी कार पर, जिससे कार भी टूटी और साथ में उसकी हड्डियां भी। इधर रॉब ट्रिश को सब कुछ बता देता है कि जेसन अब भी जिंदा है और वो यहीं पर घूम रहा है। आपको बता दूं कि रॉब बेयर्स को नहीं बल्कि जेसन को मारने आया है, क्योंकि जेसन ने मारा था इसकी बहन सैंड्रा को ज्योति सेकंड पार्ट में। अब रॉब तक ये न्यूज़ को जल्दी पहुंच गई, क्योंकि टाइम के हिसाब से इसकी बहन मरी थी बस दो रात पहले। सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट बैक टू बैक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जिनके घर लेक के पास है, इन्हें न्यूज़ का कुछ पता ही नहीं। वो लड़का इतनी दूर से आ गया, बताओ। खैर जेसन के बारे में सुनकर ट्रिश को टॉमी की चिंता होने लगी, जो कि घर पर अकेला है और लाइट के चक्कर में वो सर्किट बोर्ड तक पहुंच चुका। इधर टेड मूवी को करीब से एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक प्रोजेक्टर खराब हो गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही जेसन ने पर्दे के पीछे से एक चाकू उसके सर में घुसाकर उसकी सारी लालसा खत्म कर दी। सैरा और डग साथ में नहा रहे थे, तभी सैरा चली गई, इसलिए डग को कंपनी देने वहां पहुंच गया जेसन। दीवार के सहारे उसका हेड क्रश करके उसने डग को भी मार दिया और जब सैरा वापस आई तो उसे मिला डग का बेजान शरीर, जो कि कुछ देर पहले तक काफी एक्टिव था। उसकी लाश देखते ही सैरा पूरे पैनिक में वहां से निकल रही थी, इसलिए दरवाजे के दूसरी तरफ से जेसन ने एक एक्स उसके पेट में घुसाकर उसे काम डाउन कर दिया। उधर टॉमी के मेन डोर पर हलचल हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो थे ट्रिश और रॉब। ट्रिश पुलिस को फोन कर रही थी, लेकिन जेसन ने उसका भी इंतजाम कर दिया। तब रॉब साथ वाले घर में जा रहा था तो ट्रिश भी उसके साथ चल दी टॉमी को फिर से अकेला छोड़कर। बाहर उन्हें गॉर्डन भी मिल गया, जो उन्हीं के साथ चल दिया। रॉब जाता है बेसमेंट में, लेकिन तभी किसी वजह से गॉर्डन काफी डर गया, इतना कि वो सीधा ही भाग निकला खिड़की तोड़कर। दरवाजा तो कोई यूज करता ही नहीं। उधर टॉमी जेसन के ऊपर रिसर्च कर रहा था और द ट्रिश सर्च कर रही थी घर को। सबसे पहले उसे मिली डक की लाश और बस एक ही बहुत थी। बुरी तरह चिल्लाते हुए वो रॉब के साथ निकल रही थी, तभी रॉब का पैर सीढ़ियों में फंस गया। उसे छुड़ाकर वो नाइफ लेने वापस नीचे जाता है तो जेसन वही अंधेरे में छुपकर बैठा था। वो रॉब पर टूट पड़ा और वो ऑलमोस्ट मर गया था, इसलिए उसके कहने पर ट्रिश निकल रही थी, पर यह गलत था, इसलिए वो वापस आई। तभी जेसन ने उसे जकड़ लिया। तब उसके हाथों पर कई वार करके वो फिर से निकल रही थी, लेकिन मेन डोर पर ठुकी जिमी की बॉडी ने उसे डरा दिया। तब उसने भी रास्ता खोजा विंडो से। बाहर निकलकर वो टॉमी के पास पहुंच गई और घर को अच्छे से सील कर लिया। जिमी की लाश को साइड करके जेसन भी वहां पहुंच गया। वो दोनों अब थोड़ा सेफ फील कर रहे थे, लेकिन जब जब घर सील होते हैं तब तब इस फ्रेंचाइज में क्या होता है वो आप जानते हो। जेसन अंदर फेंक देता है एक बॉडी को, जिससे पैनिक फिर से बढ़ जाता है। इस बार बॉडी आई रॉब की और सेकंड पार्ट का रेफरेंस देते हुए विंडो तोड़कर जेसन ने पकड़ लिया टॉमी को। ट्रिश ने हैमर से कई वार किए, जिससे उसे खरोच भी नहीं आई। तब अपनी पूरी ताकत से हैमर उसके कंधे में घुसाकर उसने टॉमी को छुड़ा लिया, क्योंकि आप जानते हो
के सेकंड पार्ट में मशेटे यहीं पर घुसा था, यानी कि दो रात पहले। इसके बावजूद भी जेसन अंदर घुसाया, तो वो दोनों ऊपर टॉमी के रूम में जाकर दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं, पर जेसन काफी आसानी से उसे तोड़ रहा था। तब ट्रिश ने टीवी उसके सर में मारकर उसे नॉक कर डाला। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों निकल रहे थे, लेकिन तभी जेसन खड़ा होकर ट्रिश के पीछे लग गया। भागते हुए वो फिर से चली आई सामने वाले घर में, और कोई चांस नहीं था इसलिए उसे विंडो से कूदना पड़ा। ये सारा रिस्क इसने लिया ताकि इतने में टॉमी भाग जाए, लेकिन वो तो बिजी था बाल काटने में। ये बात पता चलते ही वो काफी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि कम से कम टॉमी बच जाता, लेकिन अब वो भी होता नहीं दिख रहा। जेसन के आने पर वो पूरी ताकत से मशेटी मारकर उसका हाथ बीच में से चीर देती है, पर फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। वो उस पर हावी हो चुका था, लेकिन टाइम रहते टॉमी वहां आ गया, या फिर कहूं कि सस्ता किट जेसन। उसने खुद को किट जेसन जैसा बना लिया था अखबार में से देखकर, ताकि जेसन को उसके अंदर अपना बचपन दिखे, और ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि जेसन की सिर्फ बॉडी बड़ी है, दिमाग इसका बच्चे वाला है। वो उसका ध्यान बटा रहा था, जिसका फायदा उठाकर ट्रिश ने वार करके उसका मास्क उतार दिया, और हमेशा की तरह इस जेसन का फेस भी पिछले पार्ट से नहीं मिल रहा, लेकिन पिछले पार्ट में लगी कुल्हाड़ी का निशान जरूर मिल रहा है। अब इतनी भयानक शक्ल देखकर ट्रिश की सारी हिम्मत मर गई। वो खुद भी मरने वाली थी कि तभी टॉमी ने मशेटी घुसा दिया जेसन के सर में, और नीचे भी वो गिरा उसी के बल, इसलिए उसका आधा सर स्लाइस हो गया। या फाइनली उन दोनों को राहत मिली। तभी टॉमी ने देखा कि जेसन अब भी मूव हो रहा था, इसलिए बिना रुके उसने जेसन पर अंधाधुन मशेटी चला दिया, क्योंकि ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन ये देखकर ट्रिश भी सोच में पड़ गई कि जेसन ज्यादा हैवान था या उसका भाई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल में, जहाँ ट्रिश एडमिट थी, लेकिन अब भी उसे चिंता थी टॉमी की। टॉमी आकर उससे गले मिलता है, लेकिन उसकी आंखों में टॉमी नहीं दिख रहा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो ये फाइनल चैप्टर था, इसलिए जेसन तो कंफर्म मर चुका। अब अगले पार्ट में क्या होगा ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि टॉमी के दिमाग पर गहरा असर हो चुका है, ये बात तो पक्की है। नेक्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी स्टोरी क्या होगी, किलर कौन होगा, और क्या जेसन ही होगा, ये सब देखने लायक बात होगी। और सबसे मेन बात तो यही होगी कि जेसन वापस कैसे आएगा। ये सारे जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहना। इस फ्रेंचाइज के कई फैंस की ये फेवरेट फिल्म है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो बता दो कि बस यहीं तक सब कुछ सिंपल था, असली मैच शुरू होगा इसके बाद। यहाँ तो लॉजिक मिल भी गया, आगे भूल जाओ। यार जेसन के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक इंसान था इंसानों का ही सताया हुआ। पहले उसके दिमाग में छपा था अकेलापन, लेकिन अपनी मॉम को मरता हुआ देखने के बाद उसके दिमाग में छप गई सिर्फ किलिंग। अब वो मर चुका है, लेकिन वापसी उसकी जरूर होगी, और वापसी धमाकेदार होगी, ये बात पक्की है, चाहे तो लिख लो। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $2.2 मिलियन के बजट में इसने कमाए $33 मिलियन। ये फिल्म रिलीज हुई थी फ्राइडे 13 के दिन 13 अप्रैल 1984 को। टर्की में ये फिल्म रिलीज हुई थी एक साल बाद सीधा फिफ्थ पार्ट के साथ। ऑडियंस ने बैक टू बैक दोनों पार्ट्स को देखा था। पिछले पार्ट के क्रिस कोन का रोल फिर से ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था, कोई भी लीड एक्ट्रेस दोबारा आई नहीं। पार्ट 2, 3 और 4 बेस्ड है 5 दिनों के अंदर, और इस टाइम में जेसन ने मार डाले 34 लोग। इस फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म है, जो एकदम पिछले पार्ट की एंडिंग से स्टार्ट हुई, और उस टाइम पर यह इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा गोर और न्यूड सीन्स वाली मूवी थी। इस फ्रेंचाइज की एकलौती फिल्म है जिसमें पिछले किसी पार्ट के सेट पर नए सीन शूट हुए। स्टार्टिंग के सीन्स पार्ट 3 के सेट पर शूट हुए थे। इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जिसमें जेसन ने मशेटी से किसी को नहीं मारा, उल्टा उसे ही मशेटी से मार दिया टॉमी ने। पूरी फ्रेंचाइज में ये एकलौती फिल्म है जिसमें मेल्स को न्यूड दिखाया गया कमर के नीचे। फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जो उसी साल रिलीज हुई थी जिसमें बेस थी 1984। एक्सेल जो वर्कआउट वीडियो टीवी पर देख रहा था वो थी एरोबाइसिस, और उसमें थी डार्सी डेमोस, जिन्हें आगे जाकर 2 साल बाद रोल मिला फ्राइडे 13 पार्ट 6 में। नर्स का नाम था आर मॉर्गन आरन, जो कि रेफरेंस है रॉबी मॉर्गन का, जिन्होंने एनी का रोल किया था फर्स्ट पार्ट में। जिमी का जो खतरनाक डांस आपने देखा वो एक्टर क्रिस्पिन ग्लोवर का असली डांस था, क्लब्स में वैसे ही नाचते थे। लिसा फ्रीमैन यानी के नर्स और क्रिस्पिन ग्लोवर यानी के जिमी दोनों ने ही आगे जाकर काम किया बैक टू फ्यूचर मूवीज में। इस फिल्म में जेसन को प्ले किया टेड वाइट ने, वो भी 58 की एज में। जेसन का रोल करने वाले वो ओल्डेस्ट एक्टर हैं, और 95 साल की एज के साथ सबसे ज्यादा जीने वाले कास्ट मेंबर भी। जेसन को प्ले करने वाले वो दूसरे सबसे लंबे एक्टर हैं। जेसन की माँ है पैमला, जबकि असल में टेड वाइट बेट्सी पामर से 11 महीने बड़े हैं। कई फैंस टेड वाइट को सबसे बेस्ट जेसन मानते हैं, जबकि टेड को इस फिल्म में काम करना जरा भी पसंद नहीं आया था। उनकी ना तो डायरेक्टर जोसेफ जीटो के साथ बनती थी, और ना ही टॉमी यानी के कोरी फेल्डमैन के साथ। जीटो के साथ तो एकदम जंग वाले हालात थे। इसकी मेन वजह थी सैम यानी के जूडी एरनसन का डेथ सीन।
टेड की डिमांड थी कि टेक्स के बीच में जूडी को लेक से बाहर आने दिया जाए, क्योंकि दिसंबर के महीने में पूरी सर्दी पड़ रही थी और पूरे सीन में जूडी थी न्यूड। फिर भी जीटो नहीं माने तो टेड ने एक्ट करने से मना कर दिया और कुछ इस तरह ये विवाद बढ़ा। इसी वजह से जूडी तंग होकर रोने लगी थी और उन्हें हाइपोथर्मिया भी हो गया था। जूडी को कई घंटे बिना कपड़ों के बिताने पड़े थे, वो भी पूरे क्रू के सामने। जीटो ने बन सेट भी नहीं बनवाया क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता। तो भाई, ऐसे डायरेक्टर्स के लिए मेरे पास तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं। इस फिल्म से पहले जूडी को दो बहुत बड़ी मूवीज ऑफर हुई थी और जूडी ने दोनों के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली दोनों में उनकी बात नहीं बनी। फिर उन्हें मिली ये और मजबूरी में ये उन्हें करनी पड़ी, और मजबूरी का कैसे फायदा उठाया गया वो मैंने आपको बता दिया। टॉमी यानी के कोरी फेल्डमैन के साथ टेड की नहीं बनती थी क्योंकि उनके मुताबिक कोरी एक नकचड़ा बच्चा था, जबकि कोरी के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि जीटो ने उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया सेट पर, इसलिए वो ऐसा एटीट्यूड रखता था। जिस सीन में टॉमी जेसन को मशेटी से पेल रहा था, उस सीन में कोरी मार रहा था सैंडबैग्स को, लेकिन असल में वो इमेजिन कर रहा था जीटो को। जिस सीन में जेसन विंडो तोड़कर टॉमी को दबोचता है, उसमें कोरी की चीख जेनुइन थी क्योंकि वो सच में टेड वाइट से डरते थे, और इस डर का टेड ने अच्छे से यूज किया। उन्होंने जानबूझकर कोरी को देर से पकड़ा ताकि कोरी को लगे कि टेक गलत हो गया, वो अपना गार्ड डाउन कर दे, और हुआ भी ऐसा ही। एग्जैक्ट वही सीन फिल्म में डाला गया। टेड व्हाइट ने रिक्वेस्ट की थी कि क्रेडिट्स में मेरा नाम मत डालना एस जेसन, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस रोल से उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सालों बाद टेड ने आखिरकार इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और वो खुलकर फैंस के सामने आने लगे। इस फिल्म के सारे सीन शूट करने के एकदम बाद ही टेड काम करने लगे थे जॉन कारपेंटर की स्टारमैन में। एक रात को सेट पर रिपोर्टर्स आए थे इंटरव्यू लेने, और वेट हो रहा था फिल्म के स्टार जेफ ब्रिजेस का, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। तब जॉन कारपेंटर ने बोला कि आप टेड व्हाइट से बात करो इनकी हाल ही में खत्म हुई फिल्म के बारे में। तो मजबूरन टेड को बताना पड़ा कि मैंने अभी अभी फ्राइडे 13 पार्ट 4 खत्म किया है, वो भी एस जेसन। बस ये बताने की देर थी कि अगली सुबह पूरा आर्टिकल टेड के बारे में छपा था, और रात को ढेर सारे जेसन फैंस सेट पर आ पहुंचे सिर्फ टेड व्हाइट को देखने। था जेसन का फेम। शूटिंग के दौरान टेड ने एक्टर से बात नहीं की ताकि उनके मन में से जेसन का डर कम ना हो। फिल्म के स्टार्टिंग में जीटो पिछले पार्ट्स के क्लिप्स यूज करना नहीं चाहते थे। जीटो चाहते थे कि स्टार्टिंग में जेसन का मास्क फट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टॉमी के डॉग का नाम गॉर्डन रखा गया था जीटो के एक फ्रेंड के डॉग के नाम पर जो हाल ही में मर गया था। जीटो को ये फिल्म इसलिए मिली क्योंकि सेकंड पार्ट के टाइम पर उनकी मूवी आई थी द प्राउलर, जो कि अब एक कल्ट क्लासिक स्लैशर है। मेकर्स ने जीटो को राइट और डायरेक्ट दोनों करने का ऑफर दिया, जिसके लिए जीटो हिचक रहे थे क्योंकि राइटर वो थे नहीं, लेकिन डबल पैसा ऑफर हो रहा था इसलिए सारी हिचक गायब हो गई। उस डबल पैसे से जीटो ने सीक्रेटली हायर किया बार्नी कोहन को, जिन्होंने ये पूरी फिल्म लिखी, और को जिस तरह जीटो ने मेकर्स का अच्छे से पागल बनाया। बार्नी कोहन ने एक सीन में जेसन को ठरके दिखाया था, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने वो सीन काट दिया। इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स काफी बढ़िया थे क्योंकि उन्हें दिया था टॉम सविनी ने। फर्स्ट पार्ट के बाद वो सिर्फ इसलिए वापस आए थे क्योंकि जेसन उन्होंने ही बनाया था, और वो चाहते थे कि वो अपने क्रिएशन को अच्छे से एंड करे क्योंकि ये लास्ट पार्ट होने वाला था इस फ्रेंचाइज का। शुरुआत में टेड व्हाइट और टॉम सविनी के बीच बहुत ज्यादा मनमुटाव था, लेकिन जब टेड को पता चला कि सविनी को स्टंट्स का भी एक्सपीरियंस है, तब से वो दोनों दोस्त बन गए क्योंकि टेड भी एक स्टंटमैन थे। टॉमी का कैरेक्टर पूरी तरह होमेज है टॉम सविनी को, उन्हें भी मास्क बनाने का पैशन है, लेकिन टॉमी असल में एक इन्वेंटर होने वाला था। वो ओवन से एक डिवाइस बनाता और उसी से जेसन को मारता। रॉब के पास भी एक हाईटेक इक्विपमेंट होता जिससे वो जेसन को ट्रैक करता। शूटिंग के दौरान ट्रेश यानी कि किम्बरली बैग के साथ कुछ अजीब हुआ। एक आदमी उन पर नजर रख रहा था और उन्हें अजीब फोन कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन शूटिंग खत्म होते ही ये सब कुछ एंड हो गया। और आपको बता दूं कि किम्बरली को हॉरर जॉनरा पसंद नहीं, ये फिल्म भी उन्हें एकदम घटिया लगती है। इस फ्रेंचाइज में किम्बरली अकलौती एक्ट्रेस है जो काम कर चुकी है एक अल्फ्रेड हिचकॉक फिल्म में। इस फिल्म से 20 साल पहले उन्होंने काम किया था मार्नी में एक छोटी बच्ची के तौर पर। जोआन फ्रीमैन ने किम्बरली की मॉम का रोल किया, जबकि वो किम्बरली से सिर्फ 14 साल बड़ी हैं और किम्बरली 15 साल बड़ी है कोरी फेल्डमैन से। जोआन का जन्मदिन आता है 8 जैन को और किम्बरली का आता है एक दिन बाद 9 जैन को मेरे साथ। जोआन फ्रीमैन की यह आखिरी फिल्म थी। पीटर बार्टन को डक का रोल करने के लिए मनाया था सेकंड पार्ट की जिनी एमी स्टील ने। वो दोनों एक साथ काम कर चुके थे द पावर्स ऑफ मैथ्यू स्टार में, इसलिए एमी ने बोला कि आखिरी फ्राइडे 13 फिल्म है, इसमें काम कर लो। डक के डेथ सीन में पीटर का सर सच में दीवार में लग गया था क्योंकि एक्टर्स को अपने स्टंट खुद करने पड़ रहे थे और सभी एक्टर्स के नाम की जंग लड़ रहे थे टेड व्हाइट। कमिला मोर ने ऑडिशन दिया था सैम के रोल के लिए, लेकिन वो न्यूड सीन को लेकर नर्वस थी। तो मेकर्स को पता चला कि उनके एक जुड़वा बहन भी है कैरी। ये पता चलते ही मेकर्स ने बोला कि अगर कैरी राजी हो गई तो हम तुम दोनों को ही कास्ट कर लेंगे। कमिला ने कैरी से पूछा तो वो राजी थी। कुछ इस तरह उन्हें रोल्स मिले टीना और टैरी के, लेकिन बदकिस्मती से इन रोल्स में न्यूडिटी और भी ज्यादा थी। कमिला का डर फिर से उनके सामने आ गया, लेकिन कैरी को कोई चिंता नहीं थी। कैरी की वजह से कमिला ने भी हिम्मत करके वो न्यूड सीन पूरा कर लिया और उन दोनों का ये पहला न्यूड सीन था। सारा यानी के बारबरा हावर्ड न्यूड सीन करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए एक एक्ट्रेस को हायर किया गया उस सीन के लिए।
फ्राइडे द 13 के बजाय ये मूवी स्टार्ट होती है संडे द 15 की रात, चलती है मंडे द 16 के दिन और एंड होती है ट्यूसडे द 17 में। टॉमी का घर बाद में यूज हुआ था एडगिन मूवी में एस एंडरसन होम और ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड व्हाट आर फ्रेंड्स 4 में। इसे रिलीज होना था अक्टूबर 1984 में, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए ये रिलीज हो गई थी अप्रैल में। इस फिल्म की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है जिसमें अगली सुबह पुलिस आ जाती तो ट्रेस टॉमी को बाहर भेज देती उन्हें अंदर लाने के लिए और खुद वो चली जाती ऊपर जहां बाथटब में उसे मिलती उसकी मॉम की लाश जिसकी आंखें अचानक खुलती और वो होती प्योर व्हाइट। तभी पीछे से जेसन आ जाता ट्रिश को मारने के लिए कि तभी उसकी आंख खुलती हॉस्पिटल में एकदम फर्स्ट पार्ट के एंड की तरह। पोस्टर में हम देख पाते हैं कि मास की लेफ्ट आंख में चाकू है। मशेटी ने जेसन की लेफ्ट आंख को स्लाइस किया। जेसन का सर जब मशेटी पर स्लाइड हो रहा था तब वो एक पपेट था जिसे हाथ से कंट्रोल कर रहे थे टॉम सवीनी। ओरिजिनली टॉमी जेसन का सर धड़ से अलग करने वाला था, लेकिन इसे चेंज किया गया ताकि फ्यूचर में जेसन को दोबारा जिंदा कर सके। कोरी फेल्डमैन सच में गंजे नहीं हुए थे, वो कैप थी। इसका बॉडी काउंट है 14। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और सबसे ब्रूटल किल बता देना जो आप में से कोई भी नहीं बता रहा, जबकि इस फ्रेंचाइज में मेन है सिर्फ किल्स। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स हो गए तो सीरीज एंड करने के बाद मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस फ्रेंचाइज की 10 सबसे ब्रूटल किल्स होंगी या फिर हर एक मूवी की सबसे ब्रूटल किल, तो कमेंट्स जरूर किया करो। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन न्यूज से पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।